हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 9:30। बस आज हम चलेंगे दुर्गा माँ का पूजा करने, क्योंकि आज है अष्टमी। मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, चलिए चलते हैं। भाभी भी रेडी हो चुकी है और चलते हैं अभी पूजा बनाने। हमारा गांव में दुर्गा अष्टमी पूजा हो रही है, तो चलते हैं। ये हमारा गांव का दुर्गा माँ का मूर्ति, देखिए कितना सुंदर बनी है। और यहाँ पर हम लोग आज अष्टमी पूजा करने के लिए आए हैं। भाभी में और गेलू को ले जाए, गति को ले जाए। चलिए, हमारा तो पूजा हो चुकी है। बस गेलू को थोड़ा आइसक्रीम वाइसक्रीम खिलाते हैं, फिर चलते हैं घर। फिलहाल पूजा करके आ चुके हैं। बस मैं वो चेरी खा रहा हूँ और गेलू खा रहा है अंगूर। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए गेलू अंगूर खा रहा है, ये देखिए। बस ज्योति को तो नींद आ रहा है, उसका मम्मी उसे सुला रही है, ये देखिए वहाँ पर सुला रही है ज्योति को। चलिए अभी थोड़ा काम करना है, क्योंकि घर में बनेगा पूरी और खीर, बनाते हैं फिर चलेंगे। कोई प्लान करेंगे बाहर जाने की, अभी तक कुछ प्लान नहीं किए। और बाहर जब जाएंगे तो अभी जाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं कि शाम को जाएंगे, एकदम लाइट फाइट देखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा पंडाल दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए शाम को जाएंगे और शाम को दिखाएंगे टॉप टॉप पंडाल आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं कुछ काम, और खाने के लिए पूरी और खीर बनाते हैं। फिलहाल खीर पूरी तो बन चुकी है, दिखाता हूँ आप लोगों को, एकदम मस्त बनाई भाभी ने। और खीर और पूरी खाएंगे मस्त दोपहर में, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए पूरी और ये देखिए खीर, एकदम गरम गरम खीर, ये देखिए। फिलहाल दोपहर हो चुकी है, खाते हैं पूरी और खीर। ये देखिए हमने लिया है खीरी और पूरी, बस खाते हैं, सारे लोग बैठ के खा रहे हैं, ये देखिए। बने और गेलू खा रहे हैं। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ हमारा घर से 25 किलोमीटर दूर पंडाल देखने के लिए, माँ दुर्गा पूजा देखने के लिए। चलिए मैं थोड़ा रेडी हो चुका हूँ, गेलू और मैं जाएंगे हमारा घर से 25 किलोमीटर दूर। आप लोगों को दिखाऊंगा चार पांच पंडाल दिखाऊंगा, एकदम मस्त मस्त पंडाल। हम जहाँ आए हैं ये है सबसे बेस्ट माँ दुर्गा का पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल है, क्योंकि इतना सारा क्राउड, बहुत सारा लोग आए हैं, ये मूर्ति मस्त बनी है। चलिए अंदर चलते हैं। Thank you.
ये जो पैंडल बनी है वो कलकत्ता से आए हुए बहुत सारे कारीगरों ने बनाए हैं, एकदम मस्त बनाए हैं। देखते हैं कितना सुंदर बनी है और कितना सुंदर सजावट है। ये जो दुर्गा माँ का मूर्ति है, ये जो दुर्गा माँ का पंडल है, ये 2 नंबर पे आता है। एकदम मस्त सुंदर बनी है, मूर्ति भी सुंदर बनी है और सजावट भी बहुत बढ़िया है, देखने लायक है। ये देखिए कितना सुंदर सजावट है, एकदम हर तरफ लाइट ही लाइट। दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ पे बनती है, पूजा भी बहुत बढ़िया होता है। फाइनली दुर्गा माँ का दर्शन करके आ चुके हैं। घर से गए थे 25 किलोमीटर दूर, वहाँ पर मस्त दुर्गा माँ की मूर्ति देखी, बहुत सजावट बहुत बढ़िया और बहुत सारे लोग भी आए थे। और आने का टाइम रास्ते में गेलू के लिए ट्रक लेके आए, ये छोटा सा, ये देखिए ये वाला गाड़ी गेलू लेके आया, ये 130 रुपया लिया तो जीत गया इसे लेने के लिए, तो इसे लेने के लिए लेके आ गए। और ज्योति के लिए एक झुमका लेके आए, दिखाता हूँ आप लोगों को छोटा सा झुमका, ये देखिए ज्योति के लिए छोटा सा झुमका लेके आए। फाइनली आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने आप लोगों को टॉप 5 दुर्गा माँ का वो पंडाल दिखाए, मूर्ति दिखाए। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। देखते आसुन देखते आसुन।